आप संन्यास की बात करते हैं, लेकिन मैंने सुना कि जब आप गुजरात में जाते हैं तो लड़कियां अपने गाल आगे कर देती हैं, वहां पर ऑटोग्राफ कर दीजिए। समझ रहे हो? अब उन बच्चों को मेरी जिंदगी का पता नहीं है और मांगते हैं ऑटोग्राफ अलग अलग, जैसा उनको जो जगह मिल जाए वो आ जाते हैं। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि कुंवारे रहकर गलती कर दी? हो सकता है शायद ये कुंवारे होने का फायदा हो। सो गाइस, कैसे हो? तो नया साल आ चुका है और नए साल में कुछ नए के नाम पे बस कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं बच्चों। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। यूट्यूब पे आज भी ट्रेंडिंग के नाम पे शॉर्ट्स चल रहे हैं, आज भी इंस्टाग्राम पे फालतू की बकचोदी करने वालों को फेम, लाइक्स और फॉलोअर्स मिल रहे हैं। और क्या सोनम गुप्ता आज भी बेवफा है? तो क्या मुझे भी इस नए साल में कुछ नया करना चाहिए? अजी लंड मेरा, आज हम दोबारा बात करेंगे इंस्टाग्राम रील्स के बारे में। आखिर क्या करूँ यार, इनके पास पूरे ब्रह्मांड का इतना टैलेंट है कि मुझसे देखा ही नहीं जाता है। मैं कम से कम 4-5 पार्ट्स बना चुका हूँ इनपे। इनका टैलेंट मजा ले खत्म हो जाए और भैंसो दिन का एक ट्रेंड खत्म होता नहीं है कि 4-5 और आ जाते हैं। नहीं साला, कभी कभी ऐसा लगता है कि स्वयं मार्क जकर बग इन्हें स्क्रिप्ट बना के दे रहा है, वो भी 11 सेकंड की। कितनी बार भाग सकर तेरे को रिक्वेस्ट करूंगा मैं। तो आओ यार, शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी चुतिया पे के। तुम्हारे छोड़ जाने के बाद जो इस दिल को मिला है ना, उसे सुकून कहते हैं। ये कैसा सुकून है भैंजो? हमें तो आज तक ऐसा सुकून कभी नहीं हुआ। लगता है बेचारी ठरक को सुकून समझ बैठी है। वैसे मुझे लगता तो नहीं है मेरे अंदर कुछ एवल है। आह नहीं, हम सच्चा गुड पर्सन मैन। वाह क्या टेक्नोलॉजी है, अब एक फिल्टर बताएगा कि मैं कैसा इंसान। भले मैंने अपनी जिंदगी में हजारों पाप किए हों, लेकिन अगर मेरा गुड साइड 99% आ जाता है तो डायरेक्ट स्वर्ग की टिकट कट रही है मेरी। और भोसड़ियों के, मुझे पता है तुमने भी अपनी जिंदगी में कुछ झांट अच्छा नहीं किया होगा, लेकिन अगर तुमने भी कुछ अच्छा किया है, लेकिन ये फिल्टर लगाने के बाद अगर तुम्हारा एविल परसेंट 99.9% आता है तो मुबारक हो, तुम सीधे नरक की कढ़ाई में गिरने वाले हो, वो भी उबलती वाली। मुझे पता है मेरी बातें सेंस नहीं बना रही है, लेकिन इसके फिल्टर भी तो सेंस नहीं बना रहे, लेकिन लाइक्स देख लो। मार्क मुझे क्यों नहीं आ जाती है? ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मार क्यों नहीं जाता है? ओ मोतिया बिंद बीमारी की तीसरी लहर, चांद कहाँ है? साला सूरज को चांद बना दिया। नहीं नहीं, मुझे बस इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं भरी सुबह सूरज को चांद बोल सकूं। उसके दिल का आईना गया जोगिंदर की गांड में। पहले मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि कोई इसे साड़ी पहनना सिखाए। भैंचोद ये क्या है? ये तो टट्टी है। पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं। ओ अजय देवगन के दाहिने टट्टे, झुकने की बात छोड़ो, भोसड़ी के सूख चुके हो तुम। और दांतों की चमकान देख रहे हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसके पीछे विमल का हाथ है। कोलगेट ऐसा काम कर ही नहीं सकता है यार। मैंने पहले ही इसके दांत देख के पहचान लिया था कि इसके दांत के कोने कोने में केसर का स्वाद है। विमल बोलो जुबा केसरी। पुष्पा पुष्पराज इस डायलॉग की टिकटॉकरों ने गांड मार के रख दी है। बच्चे बूढ़े जवान लड़की लड़का और जो भी, सबको पुष्पा बनना है, कोई झुकने को राजी नहीं है। सब लोग झुकेगा नहीं किए जा रहे हैं। अरे यार केशव, ये ग्लास नीचे गिर गया, उठा दे जरा। मैं झुकेगा नहीं साला, तेरी भोसड़ी के तुझे बनाऊ मैं पुष्पा। अरे भाई 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 नहीं। हम भी निकले थे मोहब्बत के सफर में, खर्चा बहुत था, वापस आ गए। तीर्थ यात्रा करने की उम्र में मोहब्बत के सफर में निकले जा रहे हैं? अरे ताऊ अब तो रुक जा, जवान लौंडों के लिए तो कुछ छोड़ दे। अरे बेटे तुझे नहीं पता ये बहुत पहुंची हुई चीज है? हैं? तुझे कैसे पता ताऊ? अरे बेटे किसी को बताना मत, ये ससुरा मेरी क्लास में पढ़ता था। और जब हम लोग एक साथ मूटने जाते थे तो ये ससुरा मेरे कच्चे में हाथ डाल दिया करता था। बहुत सताता था बेटे मुझे ये। अच्छा अच्छा चल रो मत, हो गया। अरे रे बेटे एक बार शैशी पूनम को सेट करा दे। तू साले ठरकी बुड्ढे। अरे अरे बेटे चप्पल क्यों निकाल रहा है? अभी अभी तो केशव को मारा, मुझे भी मारेगा। नहीं बेटे ये पाप है बेटे, बुड्ढे पे हाथ नहीं उठाते। हाँ साले नाम का बुड्ढा है तू तो, ऐसे तो बहुत जवानी भर रखी।
तुझमें। अकेली न बाजार जाया करो। हाँ हाँ ताऊ को ले जाया करो, कम से कम चलने की एक्सरसाइज तो होगी। वैसे भी इस उम्र में फिट रहने की बहुत जरूरत है, कहीं हड्डी वड्डी चटक गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं रिश्ता बचाने के लिए झुकता रहा, उसने तो मुझे गिरा हुआ ही समझ लिया। मैं रिश्ता बचाने के लिए झुकता रहा झुकता रहा। अरे बस कर ताऊ, कितना झुकेगा, ज्यादा मत झुक वरना। कमर में लचक आ जाएगी। तो तुम क्या सोच रहे थे भोसड़ी के? घटिया सोच। कुआरी है तो सोनी है तो मैं भी एक कुआरा, चढ़ दी जवानी होने लुट ले नजारा। ओ हुस्न परी तुम जाने जहाँ, तुम सबसे हसी तुम सबसे जवा। एक काम करो ना, पूरे स्टेडियम की लाइट लगवा लो अपनी थूथ पे। नहीं साला, पहले तो भर भर के मेकअप, उसके बाद फिर आईफोन के 5-6 प्रकार के फिल्टर और उसके बाद 4 प्रकार के रिंग लाइट। ओ भैंचोद, अगर मैंने इसकी वीडियो और 2 सेकंड देख ली ना तो इसका नाक ही गायब हो जाएगा, इतनी ब्राइट है ये। यही मेहनत अगर कॉन्टेंट में लगाते तो आज क्लीवेज नहीं दिखाना पड़ता। यार एक तो ये सोशल मीडिया पे कुछ भी फेमस हो जाता है और वो कुछ में भैंचो मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, चलो मैंने मान लिया ये गाना काफी अच्छा है, सबको ये गाना अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, तुम्हें अच्छा लगा, वी लव दिस सॉन्ग। अब गाना अच्छा लग गया तो क्या उस पे हजारों रील्स बना के उसकी गन मार लोगे क्या? और कम से कम तू तो रुक जा यार, तेरे पे तो सूट भी नहीं कर रहा ये। लेकिन नहीं लगे पड़े भैंचो। भैंजो इसे क्या हो गया? इसका डांस देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई का आधा शरीर जाम हो चुका है और आधा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक बार फिर से दिखाइयो जरा। भाई इसको DID भेजो यार, मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, भाई को DID भेजो, बहुत जरूरत है, देश को बहुत जरूरत है इसकी। और ये स्टेप भाई, ये स्टेप तो मेरा फेवरेट स्टेप बन गया ये, ठीक है, ये मेरा फेवरेट स्टेप है आज से। वैसे ये स्टेप शायद BGMI में भी है ना। तो यार बस आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। और ये वीडियो मजाक था, मजाक को मजाक की तरह ले। और वीडियो को लाइक मारो और कमेंट्स में बताओ कि वीडियो कैसी लगी, और अगर नए हो तो यार सब्सक्राइब मारो। और आपको हमारी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। तो चलो मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।